काश गब्बर के पास भी कोई फोन होता तो उस समय वो बसंती का डांस नहीं देखता, अपने फोन में बिजी रहता। और आजकल तो यार हर बच्चे के पास फोन नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है कि यार उनकी जान से निकल गई है। हमारे पास फोन नहीं तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और जो रियलमी और शामी वाले है ना, इन्होंने तो यार हद ही कर रखी है, एक दूसरे से भिड़े ही चले आ रहे हैं। कभी रियलमी नंबर वन है, कभी शाओमी नंबर वन है। मतलब यार ये जो फोन लॉन्च करते हैं ना, ये एक दूसरे को पीटने में लगे हुए हैं। और आज मैं आपको जिस फोन के बारे में बताने वाला हूं, ये शाओमी के मायके में लॉन्च होने वाला है, मतलब चाइना में। और ये है रेडमी का K30। और वैसे इंडिया में दिसंबर में लॉन्च हो रहा है रियलमी का X2, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 730G मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का बूक चार्जर मिल जाता है, और साथ में डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। और भैया फोन देखने में बहुत ही अच्छा है, और ये फोन बस इंडिया में दस्तक देने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि यार Redmi का जो K30 होगा, क्या वो Realme X2 को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और जब ये फोन पूरी तरह से कंफर्म होगा ना, तब मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। अभी तो यार थोड़े से लीक पता चले हैं। आप चाहे Realme का X3 का जो 730G है उसे ले ले, चाहे Redmi का K30 ले ले, तो यहां पर हो सकता है आपको जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सेम मिले, मतलब स्नैपड्रैगन का 730G। और ये जो प्रोसेसर है ना भाई, यदि आपको गेम खेलना है, बड़ा तगड़ा प्रोसेसर है, आप बिंदास यहां पर चिपके रह सकते हैं और गेम खेलने में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके साथ साथ Redmi के K30 में आपको आगे की तरफ जो डिस्प्ले मिलेगी ना, कोई आपको चंदन टीका देखने को नहीं मिलेगा, कॉर्नर की तरफ आपको दो आंखें मिल जाएंगी और इन्हीं दो आंखों में आगे वाला कैमरा होगा। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा वो भी ज्यादा होगा, और साथ में यहां पर आपको मिल सकती है 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले, और यार गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी आगे की तरफ भी और साथ में पीछे की तरफ भी। तो आपको रेडमी के K30 में मिल जाएगी 120Hz की डिस्प्ले, मतलब यार जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको कैमरे के बारे में बता देता हूं, ये जो Redmi का K30 होगा ना, ये दुनिया का पहला ऐसा फोन होने वाला है जहां पर आपको हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज सेंसर मिलने वाला है। अब यार ये हो सकता है सोनी का IMX686, मतलब यार इस फोन का जो रियर कैमरा होगा वो काफी अच्छा होने वाला है। और यहां पर आपको जो सेकेंडरी सेंसर मिल सकता है वो मिल सकता है 13 मेगापिक्सल का, एक होगा 8 मेगापिक्सल का, और एक और होगा जो होगा 2 मेगापिक्सल वाला। यहां पर आपको टाइमलेस मिल जाएगा, स्लो मोशन मिल जाएगा, नाइट मोड मिल जाएगा, भर भर के हर एक चीजें मिल जाएगी। और जिन लोगों को सेल्फी चाहिए यार, उनके लिए तो यहां पर मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का एक सेंसर, और एक जो होगा ना वो होगा TOF। अब ये भी काफी अच्छा हो सकता है। अब यार यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो बैटरी मिलेगी वो भी काफी बड़ी मिलेगी, 4500mAh की बैटरी मिल सकती है, और कहीं 5000mAh की बैटरी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 27W का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट हो जाएगा, और साथ में 3.5mm ऑडियो जैक हो जाएगा, और यार नोटिफिकेशन आपको लाइट मिल जाएगी, IR ब्लास्टर मिल जाएगा, और यार NFC भी हो सकता है इंडिया वाले वेरियंट में। और उसके साथ साथ आपको साइड में फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, मतलब साइड माउंटेड, और यार यहां पर आपको MIUI 11 मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको रेडमी K30 में मिल सकती है। और साथ में जो Redmi का K30 Pro आएगा ना, यहां पर आपको Snapdragon का 855 Plus मिल सकता है। जो Redmi का K30 होगा ना, उस फोन का जो प्राइस होगा वो होगा अंडर 20,000, और यार जो 5G वाला वेरिएंट होगा उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा Realme का X2, जहां पर आपको 730G मिल जाता है। अब इस फोन का जो प्राइस होगा वो हो सकता है 17-18 हज़ार के आसपास। मेरे हिसाब से जो Redmi का K30 होगा ना, वो Realme के X2 को काफी अच्छी टक्कर देगा, और कहीं Xiaomi वाले ज्यादा अच्छा गेम खेल जाए और फोन का प्राइस 17-18 हज़ार रख दिया ना, तो भाई Realme को काफी झटका लगने वाला है। अब ये फोन सबसे पहले 10 तारीख को चाइना में लॉन्च होगा, मतलब 10 दिसंबर को, और उसके बाद आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यदि इंडिया में Redmi का K30 आता है
तो आप क्या सोचते हैं इस फोन का क्या प्राइस होगा और क्या ये फोन रियलमी को हिला पाएगा कि नहीं हिला पाएगा? और आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे पूरी की पूरी चीजें कंफर्म हो जाएंगी लॉन्च होने के बाद, फिर मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि यार ये फोन और कितना तगड़ा है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और यार बस एक काम आप जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।